अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरी बिल्कुल तैयार हो गई। गन्ना लेके तो अब कह दिए मूलियां तोड़ो, तो उधर से मैं मूलियां तोड़ने लगी। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक जी मेरे बहन भाई, अल्लाह ताला तेनों खुश रखे, आबाद रखे, हंसला मुस्कुरा रखे। अज हैगी जुमेरात, मस्जिदों के देखो जी ऐलान हो रहे हैं ग्राई किल वास्ते, असं अज पका लगे जी खीर खत्म दवा लगे, हाथ जुमेरात नूं खत्म दवाई दा जो हसबे तफीक होवे पे। तो यह जी मैं चावल भेज के पहले रख दिए थे, तो यह मैं चावल में पा लगी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चावल ना उबल जा देना थोड़ी देर, तो फिर मैं उस तो बाद ना दुध पावगी, ठीक है? तो नाल पावगी गाजर, गाजर उन्नी देर कद्दूकश कर लेनी है, ठीक है? पानी मैं पा दिता, चावल जड़े ना थोड़े जो उबल जाते। मैं सब्ज़ इलाचियां ही पाती हैं चावल के नाल, मैं उत्थे मंजी ते पै के ना गाजर कद्दू कश कर ला। अज मेरा जो हौस है ना मुकम्मल हो गया कम्प्लीट, लेकिन गिला है सुकिया कोई नहीं है। हौस नहीं होता मम्मा, हाउस होता है। हाउस होता है जो अभी एक घर है, छोटी सी कोठली बनाई है मैंने, मतलब बड़ी मैंने मेहनत से, और मतलब मुझे पत्नी ख्वाहिश थी मैं छोटी सी कोठली बनाऊं, मिड हाउस का करो इसे, मड हाउस। ये मैं छोटा सा मड हाउस बनाया है, आपको अच्छा लगे आपने कमेंट में बताना है जरूर, ठीक है? और इसके साथ इधर जी हाँ जी, और इधर हमने डॉल्स भी रख दिए हैं, और हमने ऊपर वो मैंने सारे दीवारों पे दोबारा पोछा लगाया है। तो अभी मेरा छोटा 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 काफी ज्यादा काम पड़ा है किचन का करने वाला, क्योंकि धूप अभी निकलना शुरू हुई है, इस तरफ धूप कम आती है, जब फुल गर्मी हो जाएगी ना फिर इधर धूप ज्यादा आएगी। फिर हमने अभी ऊपर छत भी डालनी है माह रमजान से पहले पहले, माशाल्लाह शबरात का, आज शबरात की 4 तारीख हो गई, 3 या 4 तारीख हो गई है माशाल्लाह। तो माह रमजान भी आने वाला है, अल्लाह ताला खैर फिर से लेके आए माह रमजान, अल्लाह ताला सबको रोजे रखने नसीब फरमाए, ठीक है? आमीन। अच्छा वो हमारी शर्त लगी हुई है उस मुर्गियों के ऊपर, हम कहते हैं एक मुर्गा एक मुर्गी है, अक्सर के पापा कहते हैं दोनों मुर्गी हैं, तो मैंने कहा कि नहीं एक मुर्गा एक मुर्गी है, वो जो जिसका पोषण ही ना है वो मुर्गा है, आपने बताना है कमेंट। आपने कमेंट में ये मैं ना गाजरें छील लूँ, तो चावल मैंने ऊपर रख दिए बॉयल करने के लिए, तो हर जुमेरात को मैं ना न्याज दिलाती हूँ, तो अल्लाह ताला अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत दे न्याज दिलाने की, तो मेरा मर्जा मतलब बड़ा दिल खुश होता है, कि मेरे दिल में भी होता है कि जी मुझे भी अल्लाह ताला इन चीज़ों से नवाजेगा तो मैं भी ये काम करूँगी, ठीक है? इंशाल्लाह आप दो लोगों की दुआएं होंगी, और एक बाजी का कमेंट आया था कि जी हमारे लिए दुआ करें, ठीक है? हमारे घर औलाद नहीं हो रही, अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद था फरमाए, आमीन सुमा आमीन। जब हमारे घर आएंगे अंडे खिलाएंगे इनको, हाँ जी हैं, हाँ जी चले ठीक है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, हम छोटे छोटे चूजे लेके ना रखते हैं, वो उनके लिए ना ये गुड्डा बनाया ना हमने, तो इसमें रखा करेंगे, फिर सर्दियाँ तक बड़े हो जाएंगे फिर अंडे देंगे, जब हमारे घर कोई मेहमान आया करेगा हम उनको खिलाया करेंगे अंडे। तो उधर देखो अक्सा के पापा जो है ना वो शुरू हो गए काम करना, उनका ना दिल नहीं लगता नीचे काम जब करते हैं, तो ऊपर आ जाते हैं हमारे पास काम करते करते। तो हमारे यहाँ पे ना साथ फौत भी हो गई थी, बाबा जी फोटो हुए थे, गाजरे मैंने छील ली हैं, अब कद्दूकश करूंगी।
जिन्ना क दुध है हूं उन्नी कि पका लगी बना लगी ना दुध है 3 किलो मैं लिया ठीक है तो मैं कि जमराल जमराल खत्म दवाई देना तो मैं क्या कि ठीक हैगी उन्ना के दवा लें ठीक है दवा दवाने इंशाला मेरे भैन भरावान की सपोर्ट हो इंशाला सारे काम करा 3 किलो दूध है जिसमें मैंने 1 पाव चावल डाले हैं और 1 किलो मैंने गाजरें डाली हैं और मैं ये साथ ही ना दूध डाल दूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मम्मा क्या था दूध ही है मैंने ना फ्रीजर में रखा था कि खराब ना हो जाए कच्चे दूध की ना खीर मजे की बनती है जो दूध हम गर्म करते हैं ना दूसरा उसमें खीर नहीं मजे की बनती जितना ना कच्चे दूध की खीर मजे की बनती है लेकिन मैं खुद बनाऊंगा ये बनती है ठीक है तो ये थोड़ा सा पानी डाल के डाल दे दूध लगा हुआ है तो अभी ढक्कन दे देते चलो आज 15 अंग्रेजी की 15 तारीख को या अगले महीने की 11 तारीख को पहला रोजा है या माह रमजान अल्लाह ताला खैर खैर से लेके आए और इबादत करने की हमें तौफीक ता फरमाए नमाजें पढ़ने की तौफीक आमीन या रब्बे आलमीन मैं पूरे रोजे रखूंगी बेटी ने पिछली दफा पूरे रोजे मतलब आधे से ज्यादा रोजे रखे थे मैंने बीच में छिड़वा दिए थे ना स्कूल जाती थी इस वजह से इस बार मैं रोजे पूरे रखूंगी चलो तो पूरे रोजे वादा करना है आपने वादा 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 फिर आपने 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है ठीक है ये देखें आधी से ज्यादा पक गई है बस थोड़ी देर और है 10-15 मिनट तो 10-15 मिनट तक ये तैयार हो जाती है माशाल्लाह फिर उसके बाद हम खत्म दिलाते हैं तो ये वाली जो खीर है ना जिसने सर्दियों में नहीं ना खाई उसने कुछ नहीं खाया जिंदगी में क्योंकि ये सब एक तो हो गया गाजर हलवा और ये वाली खीर इतनी मज़े की बनती है ना बंदा ना खा खा के ना थकता नहीं है ये वाली मतलब मीठा सबका फेवरेट तो है लेकिन ये वाली गाजर वाली खीर और गाजर वाला हलवा ये सबका फेवरेट होता है सबका फेवरेट हाँ कोई कोई नहीं खाता लेकिन हमारे घर में तो सबका फेवरेट है ठीक है ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा मैं डालूँगी ये मलाई है तो ये साथ डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खोया नहीं है मम्मा ये मलाई बेटा इसका तो पनीर भी बना दोगी वो वाला तो ये देखे जी मलाई इसमें डाली के मजे की बन जाएगी खीर लेकिन ये जो मैंने दूध डाला उसमें से मलाई नहीं उतारी जो मैं दूध पहले वाला जो गर्म करती ना उसमें से ये मलाई उतार के ना मैंने फ्रीजर में रखी थी मैंने सुबह निकाल दी थी मैंने कहा कि मैं ना सुबह जब खीर बनाऊंगी ना उसके अंदर डालूंगी माँ बना रही है डेयरी मिल्क डेयरी मिल्क जी अभी मैं ना कैरमल बनाऊंगी खीर के लिए ठीक है तो मेरा इस दफा दिल कर रहा था ये कैरमल बना के चीनी फिर डालू खीर बनने में भी टाइम है ठीक है तो इसको मैं ये कैरमल बना लूँ इसका कलर बहुत मज़े में बहुत प्यारा आएगा जब मैं कैरामल बना के डालूँगी इसके अंदर चीनी के अंदर या ऐसा ऐसा ना चीनी जब पकड़नी शुरू हो जाए बिल्कुल स्लो आँच पे आपने करना है इसको ये देखेंगे ये कैरामल बनना शुरू हो गई ठीक है आहिस्ता 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 से ये देखना बनना शुरू हो गई है जी माशाल्लाह ये देखें जी माशाल्लाह कैरामल बनना शुरू हो गया आपको जितना मतलब डार्क चाहिए आप उतना डार्क कर सकती हैं अभी इसमें गुठलियाँ हैं चीनी की ठीक है जैसे जैसे ये मेल्ट होती जा रही और ये मैं कैरमल बनता जा रहा है सॉरी
कि उसके पास टेस्ट आना चाहिए और कलर चेंज होना चाहिए घी का। ये देखिए जी बिल्कुल तैयार हो गया है मेरा कैरामल। अब मैं इसके अंदर डालूँ। ये देखें जी इसके अंदर डाल दी। ये नहीं आपने कहना कि है तो वो गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, गुठलियाँ नहीं बनती। ठीक है जब इसको सेक लगेगा ना तो ये मेल्ट ही हो जाएगी, खुद ही मेल्ट हो जाएगी। बिस्मिल्लाह जैसे ये बाजार से खीर मिलती है ना वैसे ही बनेगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह जी खीर मेरी बिल्कुल तैयार हो गई। ऐसे लगा जी मैं खोया ही बिल्कुल पकाया हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह हूँ मैं थले उतार के लिहाज वास्ते कढ़ा ली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी मैं लिहाज वास्ते कढ़ ली मेरा खत्म दुआना से जो मेरा अर्दा। अक्सर पापा ने कहने खत्म दुआ लियो दुआ लियो जी ना खत्म। हाँ जी हाँ जी। मैं ना मगरब की नमाज अजान हो गई मैंने नमाज पढ़ लवा। ठीक है साड़ी छोटी जी वीडियो मेरे भैन भरावान जरूर पसंद आई थी तो पसंद आई लाइक भी करना सबसक्राइब भी करना अगे फैमिली मैंबर ने शेयर भी करया करो। ठीक है तो ताकि सपोर्ट की मैं बहुत ज़्यादा जरूरत है ताडा प्यार मुहब्बत के नाल मैं इतों तक पहुँची है तो इंशाल्लाह अगे भी ऐसे ही पहुँचा दी इस तरह प्यार मुहब्बत देंदे रहो तो इंशाल्लाह अगे भी इस तरह कामयाब होवे। तो अल्लाह हम अपने बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं कि जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करें, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए और जो बेरोज़गार है अल्लाह पाक उन्होंने रोज़गार अता फरमाए। ठीक है तो आप लोगों ने हमारे लिए भी दुआ करनी है बहन भाइयों ने क्योंकि आपकी बहन भाइयों की दुआएँ हमारी आपके साथ दुआएँ हैं। ठीक है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे रहमत के साए के नीचे रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना हमें अपनी दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे अल्लाह हाफ़िज़।